हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक जिसमें हम लोगों को फाइंड करना है क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर। अगर क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर हम लोगों को फाइंड करने के लिए जनरली अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर का ट्रिक लेकर। तो क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर अगर हम लोगों को सीखना है तो सबसे पहले मुझे याद रखना कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब ये 12 होना जरूरी है, और उसके बाद 11 से 99 जो मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 11 से 99 में से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लेता हूं मैं, सपोज लेता हूं 12। क्यूब समझाने के लिए मुझे एक नंबर लेना होगा ये ट्रिक के लिए। तो एक 12 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 12 × 12 तीन बार करेंगे तो आ जाएगा नंबर। लेकिन इस ट्रिक में क्या करना है, इस ट्रिक में करना है सबसे पहले लेता हूं मैं स्टेप 1 जिसमें हमको जो भी नंबर्स है उसका मैंने ले लिया क्यूब। 1 का क्यूब यानी आ गया 1, 2 का क्यूब यानी आ गया मेरे पास 8। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या हो गया, क्यूब ले लिया मैंने। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, स्टेप टू में हमको करना है जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर और बगल वाले में मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 2। उसके बाद सेकेंड स्टेप में वापस से जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर और उसको बगल वाले में मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 वन जा 4, ये आ गया सेकेंड स्टेप। स्टेप नंबर थ्री में हमको इस नंबर का डबल करना है, यानी 2 का 4 हो गया, 4 का हो गया 8। ओके, डबल कर दिया। अब स्टेप नंबर फोर में हमको क्या करना है कि जो भी नंबर है पहले जो डबल किए हुए उसको एड कर दो, 4 + 2 = 8 + 4 = 12, और ये 8 को ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे 1 को ले लिया, ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 यानी फाइनल जो हमको देगा हमारा आंसर, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 8 हमने लिख लिया, ठीक है, एक एक डिजिट लिखना है, 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे जो 1 बचा है उसको आगे दे दिया, तो यहाँ पे एड कर लिया, 6 + 1 हो गया 7 और ये यहाँ पे लिख दिया 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इजी ट्रिक सबको समझ में आ रहेगा और सबको पसंद भी आ रहेगा। एक और नंबर लेके हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। ये तो 1 और 2 यानी 12 जो था बहुत इजी था, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट यानी थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ मैं, 24, ठीक है, तो इजी हो जाएगा समझने के लिए, 24, ठीक है, 24। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, फिर स्टेप 2 में पहला वाला नंबर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, अब इसका डबल कर लो, 16 का डबल 32, 64, अब क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 96, इसको लिख दिया 64 और 8, राइट। इसके बाद आगे हम लोग का स्टेप नंबर 5 यानी फाइनल, इसमें से हमको क्या करना है, एक एक डिजिट लिखना है, 4 लिखा फिर 6 यहाँ पर आ गया हो गया 102, फिर 2 लिखा 10 यहाँ पर आ गया हो गया 58, फिर 8 लिखा 5 यहाँ पर लिख दिया 8 + 5 हो गया 13 लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये क्यूब वाला फॉर्मूला समझ में आ रहेगा, ठीक है, जो भी है सब लोग ट्राई कर सकते हैं क्यूब फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।